नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झंझारपुर और महरेल के बीच जो काम चल रहा है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और इसमें मार्च तक सीआरएस भी होना है। आप यहां देख सकते हैं ट्रैक पैकिंग मशीन भी आई है। आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए। और ये वीडियो आप बिरजू ठाकुर की सौजन्य से आप तक पहुँच रही है। बिरजू ठाकुर के किसी दोस्त ने ये वीडियो शूट किया है और हमसे शेयर किया है, तो उसी की सौजन्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आगे पूरी डिटेल आपको हम दिखाएंगे, एक एक डिटेल, जो ट्रैक पैकिंग के मशीन के पास भी चलेंगे और वहां से भी आपको दिखाएंगे किस तरह से ट्रैक पैकिंग मशीन जो है वो काम करती है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में और पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, पैकिंग मशीन आ चुका है, महरेल की तरफ जा रही है। ब्लास्ट बिछने के बाद पैकिंग मशीन आती है, आपको नजर आ रहा होगा हमारे वीडियो में। पैकिंग मशीन देखिए कैसे आ रही है, उल्टी दिशा विपरीत दिशा में जा रही है। उसके साथ एक बोगी भी है जिसमें इसके स्टाफ सब रहते हैं और वो मशीन आगे पीली कलर की है, वो पैकिंग मशीन है। उसी के द्वारा जितने भी स्लीपर है, ब्लास्ट और स्लीपर को कॉम्बिनेशन को उसको वाइब्रेट करके सेट किया जाएगा। देखिए जा रही है झंझारपुर बाजार हॉल्ट से महरेल की तरफ जा रही है। जो आप यहां देख रहे हैं पैकिंग मशीन का गाड़ी आ चुके हैं और यहाँ पैकिंग का काम चल रहा है। यहाँ दर्शक लोग भी सो भी पहुँच चुके हैं देखने के लिए। ये पैकिंग मशीन होगी आपको, ऐसे कैसे अढ़ाई लाख तक मान के चलिए, ज्यादा नहीं होगा। जब तरीका है जैसे पटरी से उस पटरी पर जो चला जाता है, क्या हो गया, खराब हो गया क्या? देखने में पटरी उतर गया, चक्की उतर गया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं पैकिंग मशीन का चक्का उतर चुके हैं पटरी पे से। और आप यहां पर देख रहे हैं पैकिंग मशीन का चक्का रेलवे। तो अभी आप जो रिपोर्ट देख रहे थे इसमें ये झंझारपुर और लोखा रेलखंड है और झंझारपुर महरेल के बीच ट्रैक पैकिंग मशीन जो है वो ट्रैक पैकिंग करते हुए जा रही थी, लेकिन नेंगड़ा चौक के पास जाते ही इसमें कुछ खराबी आ गई थी और जिसके बाद कुछ देर तक यहाँ पर जो है ये मशीन रुकी रही। फिर उसके बाद जो ठीक हुआ उसके बाद आगे बढ़ी है।
तो आप ये झंझारपुर और लोखा रेलखंड की अपडेट देख रहे थे। आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट जो है आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो हम बिरजू ठाकुर के सौजन्य से आप तक पहुँचा रहे थे। बिरजू ठाकुर के किसी दोस्त ने ये वीडियो शूट किया था और हमसे शेयर किया था, वही वीडियो आपको हम दिखा रहे थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।